बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीम। खाते यहाँ की हो, गाते वहाँ की हो, अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते भैया। मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण द्वारा उत्तेजित अवस्था में दी गई ये चेतावनी ने अब तूल पकड़ लिया है। जैदी फार्म निवासी मोहम्मद यूनुस सैफी ने एसपी सिटी को पार्टी बनाते हुए सीजेएम की अदालत में याचिका दायर कर दी है। इस पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी तय की गई है। इस बीच एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बहुजन जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष रेणु सिंह राणा की भूख हड़ताल जारी है। रेणु की मांग है कि अखिलेश नारायण को गिरफ्तार किया जाए। उधर पुलिस के हाथ अभी तक ऐसे कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं जिसमें कुछ युवकों द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करना बताया गया हो। बता दें कि एसपी सिटी ने बयान दिया था, उन्होंने ऐसा तब कहा था जब कुछ युवक पाकिस्तान समर्थन के नारे लगा रहे थे। गत 20 दिसंबर को सीएए के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने बवाल करते हुए कई वाहनों व पुलिस चौकी को फूंक दिया था। मेरठ में भी ऐसी ही घटनाओं को उपद्रवियों ने अंजाम दिया था। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की एक गली में एसपी सिटी व एडीएम सिटी उपद्रवियों पर काबू पाने गए हुए थे। उनका इसे लेकर जो वीडियो जारी हुआ उसमें वो 3-4 लोगों को धमकाते हुए बोल रहे हैं कि खाते यहाँ का हो और गाते वहाँ का हो, यदि ऐसा हो तो पाकिस्तान ही क्यों नहीं चले जाते हो। बात जब मीडिया में आई तो एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने सफाई दी कि उन्होंने ऐसा तब कहा था जब कुछ युवक विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। उनके समर्थन में एडीजे प्रशांत कुमार ने ये भी बात दोहराई थी। ये बात दीगर है कि घटना को काफी समय हो चुका है लेकिन अभी तक ऐसा कोई वीडियो अथवा साक्ष्य सामने नहीं आया है जिसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती दिखाई दे रही हो। इस आशय की कोई खबर में प्रकाशित नहीं हुई है। समझा जा रहा है कि एसपी सिटी ने अपने बचाव में पाकिस्तान समर्थन वाली बात कही है। आज जैदी फार्म निवासी थाना नौचंदी निवासी मोहम्मद यूनुस सैफी ने सीजेएम की अदालत में एक याचिका दायर कर दी है। यूनुस सैफी का इसमें कहना है कि गत 20 दिसंबर को मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने सार्वजनिक स्थान पर विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा। इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब 25 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई होनी है। एडवोकेट हूं मैं। एसपी सिटी द्वारा मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ आज एक कंप्लेंट केस दायर किया है 258/504/506/166 आईपीसी में, जो आज दर्ज हो चुका है। कौन कौन सी बातें आपने उसके अंदर डाली? हमने मुस्लिम समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने की और जान से मारने की धमकी देना, ये कहा कि तुम्हारा दिन काला कर दूंगा। काला का मतलब ये होता है जिस घर में मौत हो जाती है उनका दिन काला हो जाता है। मेरठ के एसपी सिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने जो है वो है मुस्लिम समाज के लोगों को जो है की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जबकि संविधान में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। उन्होंने देश के मुसलमानों को देश छोड़ के चले जाने का जो है वीडियो जारी किया है जिससे जो है यहाँ के मुसलमानों को जो है ठेस पहुंची है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी लड़ाई को जो है जहां तक संविधान की रक्षा के लिए हर तरीके की लड़ाई मैं लड़ूंगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।